कभी होता है और कभी नहीं होता है, यह कंप्लेंट लेके हमारे पास में काफ़ी लोग आते रहते हैं। यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी लोग आते हैं हमारे पास में कि बोलते हैं कि कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, कभी कभी उनको इरेक्शन आता है, कभी कभी लैंगिक कठोरता आती है तो वो सेक्स कर पाते हैं, कभी कठोरता नहीं आती है तो नहीं सेक्स कर पाते, और फिर वो हरदम टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं कि अभी होगा कि नहीं होगा, आज होगा कि नहीं होगा, करना कि नहीं करना, जाना कि नहीं जाना वाइफ के पास में, गए और नहीं हुआ तो इज्जत कि ऐसी जैसी हो जाएगी, तो उनको डर लगे रहता है। फिर वो क्या करते हैं, वो लोग दवाई खाएंगे, टाराफिल, सिलनाफिल खाएंगे, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर ही आएंगे, मगर उससे फिर कुछ लोगों को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो जाती है, फिर वो साइड इफ़ेक्ट से भी तकलीफ उनको होती है। ये कभी होता है कभी नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये सीधी सीधी बात है कि ये साइकोलॉजिकली है, कोई डाउट ही नहीं इसके बारे में। ये लोगों को पूछा गया तो ये बोलते कि हाँ, मॉर्निंग इरेक्शंस अच्छी आती है, सुबह सुबह जो कठोरता आनी चाहिए लिंग में वो आती रहती है, मॉर्निंग इरेक्शन आती है, नाइट में इरेक्शंस आती है उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल इरेक्शंस, वो भी कभी कभी आते रहते हैं, समझो जाग उठे तो टाइटनेस दिखता है या महसूस होता है, और कभी सेक्स में होता है, कभी नहीं होता है। अब नहीं क्यों होता है, नहीं क्यों होता है, इसका कारण है दिमाग में प्रेशर, टेंशन, डर कि भाई बहुत ज़्यादा बिजनेस का प्रेशर है, टेंशन है, झगड़ा झंझट हो चुका है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, मगर वाइफ बोलती है करो, प्रेशर डालेगी वो तुम्हारे ऊपर, दिमाग के ऊपर, तो मतलब पहले ही प्रेशर है, अभी ये प्रेशर की करो फिर होगा ही नहीं। या फिर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई आ जाएगा, कोई आपको पकड़ेगा, या बच्चे हैं कमरे में वो उठ जाएंगे तो उसका डर है, या कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना, कभी कभी उनके घर में तो अलग कमरा भी नहीं होता है, एक ही कमरे में बच्चे और वो सोते हैं, तो हरदम को डर लगता है कि बच्चा उठेगा तो क्या होगा, तो कभी होता ही नहीं फिर टाइट, या दो कमरे होते हैं मगर दरवाजा ही नहीं होता तो वो पर्दा लगाया रहता है, और बच्चे बड़े बड़े हैं, 15 साल 20 साल के बच्चे हैं, और इतने बच्चे बड़े होने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं है, और फिर बस ऐसी है कर रहे सेक्स, तो उनको हरदम डर लगता है। या फिर वो फिर सुबह करते, जब बच्चे कहीं बाहर गए रहे फिर सुबह करते, फिर उस समय भी डर है कि कोई आ जाएगा फटाक से, तो ऐसे इसमें सेक्स जो है वो रिलैक्स मूड में करने वाली चीज़ है, एकदम शांत वातावरण, रिलैक्स मूड, ऐसा जाना चाहिए बेड के ऊपर कि जैसा कोई शादी में जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल सज धज कर जाने का है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोने के समय गंदे कपड़े पहनेंगे, मैले हुए कपड़े पहनेंगे, तेल के दाग हैं, दिन भर का पसीने का मतलब बांस आ रहा है, और वो कपड़े पहन के जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल करने का नहीं है। दोनों ऐसे जाना है कि बिल्कुल शादी को जा रहे हैं, स्नान करके जाना है, प्राइवेट पार्ट धो के जाने का है, एकदम मन प्रसन्न होना चाहिए, झंझट झगड़ा प्रेशर टेंशन स्ट्रेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ऐसी अवस्था में फिर सेक्स करते तो डेफिनेटली सेक्स होगा। एक दूसरे को स्टिम्युलेट करना, एक दूसरे को एक्साइट करना, ये होना जरूरी है ना, अपने ऊपर खुद का ख्याल रखना और खुद में ही एक्साइट होते कि नहीं होते वो देखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर किस लेंगे, इधर देखेंगे, अरे टाइट हुआ कि नहीं हुआ, इधर कुछ करेंगे बोलेंगे अरे अभी भी टाइट नहीं हुआ, अभी कैसा होगा, मतलब उनके दिमाग में कंटिन्यूस वो विचार आता रहता है, वो लिंग की तरफ देखते रहे कि टाइट हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें होता ही नहीं है। आपका पूरा ख्याल जो है वो सामने वाले पार्टी के ऊपर होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, उसने भी एन्जॉय करना चाहिए, आपने भी एन्जॉय करना चाहिए, और ये भी है तो फिर नहीं होने का कोई कारण है नहीं। एकदम रिलैक्स वातावरण, दोनों में बहुत सारा प्यार, दिमाग के ऊपर प्रेशर टेंशन कुछ भी नहीं है, तो फिर नहीं होने का कोई कारण है नहीं। फोर प्ले यदि आप करते हो डेफिनेटली हो जाएगा। फोर प्ले में स्त्री पति को, मतलब पत्नी पति को करती है एक्साइट, पति पत्नी को एक्साइट करता है, एक दूसरे को बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं, जहाँ जहाँ एक्साइटमेंट होता है वहाँ वहाँ टच करते हैं, वहाँ वहाँ एक्साइट करते हैं, और फिर इरेक्शन आ जाता है और वो करते रहते हैं। यदि ऐसा है कि कभी होता है, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं रहा, बिल्कुल कोई भी वातावरण में हो ही नहीं रहा, मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं है, नॉक्चरनल नाइट में भी इरेक्शन नहीं हो रहे, सुबह टाइट नहीं हो रहा है, पिछले 4-6 महीने में बिल्कुल टेंशन आए नहीं, कठोरता आई नहीं है, डेफिनेटली पहले जाके शुगर चेक करो, डायबिटीज़ है क्या? और ऐसे इसमें बहुत सारा डायबिटीज़ है, ऐसा मालूम पड़ता है एकदम 400 शुगर है, 500 शुगर है, पता नहीं कब से शुगर है। यदि वो हाइपरटेंशन की मतलब ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते होंगे, या हाइपरटेंशन होगा उससे होता है, या फिर थायराइड की बीमारी, ऐसे कोई ना कोई बीमारी रहती है कि बिल्कुल होता ही नहीं है, नर्व्स को डैमेज है तो उससे भी कभी होता ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में फिर दवाई का इस्तेमाल करना होगा,
टैडाफिल या सिलडेनाफिल खा के फिर आपको इरेक्शन आ जाएगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।